मौसम बदलने के साथ ही पक्षियों का माइग्रेशन भी शुरू हो गया है। आमतौर पर हर साल सितंबर अक्टूबर महीने से पक्षियों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि पिछले साल 2019 में राजस्थान के सांभर झील क्षेत्र में बड़ी संख्या में हुई पक्षियों की मौत ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसको देखते हुए इस बार पक्षियों के स्वागत की तैयारी पहले से की जा रही है। राजस्थान सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इसके इलाज की व्यवस्था, शेल्टर और गाड़ियों की व्यवस्था कराई जाएगी। एक टेम्पररी नर्सरी बनाई जाएगी, जिस पर 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले ही एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो इस झील में पक्षियों के लिए किसी भी नुकसान के बारे में रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य के सांभर झील में नॉर्दर्न श्वेलर, ब्राह्मणी डक, पाइड एवोसेट, कैंटिस प्लोअर और टफ डक जैसी पक्षियां विदेशों से यहां आते हैं। इनके अलावा हर साल रूस, साइबेरिया, यूरोप जैसे देशों से भारी संख्या में पक्षी यहां पहुंचते हैं। वेडर्स, डक और रैप्टर्स जैसे पक्षी साइबेरिया और रूस से आते हैं। वहीं यूरोपीय फ्लाई कैचर, ब्राउन ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर और बार्न स्वालो जैसी पक्षी यूरोपीय देशों से खाने की तलाश में भारत प्रवास कर पहुंचते हैं। पिछले साल सांभर झील में तकरीबन 20,000 पक्षियों की मौत हो गई थी। इनमें नॉर्दर्न श्वेलर, ब्राह्मणी डक, पाइड एवोसेट, कैंटस प्लोअर जैसी पक्षी शामिल थे। राजस्थान सरकार द्वारा NGT या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश रिपोर्ट बताती है कि पक्षियों की मौत एक बीमारी एवियन बॉटुलिज्म की वजह से हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि एवियन बॉटुलिज्म एक गंभीर न्यूरोमस्कुलर बीमारी है, जो एक टॉक्सिन की वजह से पक्षियों में होता है। बता दें कि भारत में कुछ चुनिंदा झील है, जहां हर साल हजारों की तादाद में पक्षी अपनी सर्दी बिताने के लिए विदेशों से प्रवास कर यहां पहुंचते हैं। इनमें उड़ीसा का चिलिका झील, राजस्थान का केवला देव नेशनल पार्क, गुजरात का नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और केरल के कुमारकोम बर्ड सेंचुरी में पक्षियों का तांता लगा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।